हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। और मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कुछ नया लोकेशन बनाने की लोकेशन वगैरह कुछ भी नहीं है। और आज मैं अपने घर आई हूँ, अपने पापा के घर। तो इसलिए देखिए रूम में बैठी हूँ, तो इसलिए ऐसा लग रहा है। तो यानी कि आप लोग जो कमेंट करते थे, सुमन अपने पापा के पास जाओ, वीडियो बनाओ, यानी कि अपनी बहन को लेकर घर जाओ, अपने भाई बहन का ख्याल रखाने के, आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर देते। तो ऐसे ही आप लोग के कमेंट से पहले, यानी कि मैं अपने पापा से मिलने के लिए आई हूँ, और मेरे साथ साक्षी भी आई है। और यानी कि मैं चाहती हूँ कि सारा परिवार, यानी कि मेरे जो है ना, मेरे जो दो भाई है छोटे छोटे और एक मेरी छोटी बहन है, वो सबको मैंने स्कूल भेज दिया है। अभी तो आप लोग को नहीं दिखा पाएंगे, अभी स्कूल चले गए वो लोग। तो आएंगे तो आप लोग को वीडियो में दिखाऊंगी। और यहाँ पे देखिए साक्षी बैठी हुई है, बैठ के क्या कर रही है, चाय बिस्किट खा रही है। यहाँ पर मेरी दादी है, दादी का भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब था, तो इसलिए यहाँ पर आए थे हम लोग मिलने के लिए। तो इसलिए मैंने साक्षी को भी बोला था। और यहाँ पर खाना पीना बन चुका है, अभी मैंने मुँह भी नहीं धोया, देखते हैं बिना मुँह धोने। साक्षी हंस रही है, बताइए। साक्षी चाय बिस्किट खा रही है। और यहाँ पर देखिए हमारा छोटा सा घर, यानी कि पहले ऐसे कुछ भी नहीं था। पहले बहुत ज़्यादा, यानी कि हम लोग का ज़मीन था, घर था, सब कुछ था, यानी कि किसी भी चीज़ का कमी नहीं था। लेकिन आज कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरे मम्मी पापा की वजह से। क्यों, हमें क्या गलती देंगे, दोनों का गलती देंगे, दोनों का गलती है। आज कुछ भी नहीं हमारे पास, बताइए। यानी कि यहाँ पे आके बहुत मुझे अजीब लग रहा है, पता है। पहले की तरह हमारे घर पे कुछ भी नहीं है, ना ही फैमिली है, ना कोई सामान वगैरह, कुछ भी नहीं है। आप लोग तो वैसे पहले भी देखे होंगे मेरे ब्लॉग, यानी मेरे ब्लॉग में नहीं, किसी जो पत्रकार वगैरह सब आते थे तो वीडियो बनाए थे मेरे घर का। तो आप लोग तो देखे होंगे मेरे घर को। आज हमारे घर पर हम पांचों भाई बहन आज फिर से मिल गए हैं बहुत दिनों के बाद। और मैं बहुत खुश हूँ, पापा चले गए काम पर, नहीं तो पापा को भी दिखाते आप लोग को। पापा काम पर नहीं गए, यानी कि पापा घूम के आ गए, यानी कि जाएंगे मोबाइल लेने के लिए। रुकिए आप लोग को दिखाते हैं। मुझे लगा पापा आ गए इसलिए। खैर अभी हम मूवी नहीं दे, देखिए दादी हमको दे दी बिस्किट खाने के लिए, बिना खाएंगे, मुँह नहीं धोए इसलिए। जाएंगे नहाएंगे हम, तब जो नाश्ता वगैरह होगा खाएंगे। चलिए आपको थोड़ा बाहर दिखाते हैं, वैसे तो कुछ भी नहीं है ऐसे देखने के लिए। तो यहाँ देखिए हमारा छोटा सा घर है, वो जो घर बना है ना, यानी कि वो बेच दिए पापा जमीन, वहाँ पे किसी और का घर बना हुआ है। यानी कि एक चीज़ दिखाते हैं आप लोग, यहाँ पर आके मुझे बहुत ज़्यादा दुखी फील होता है। यहाँ पर देखिए ये जो नींबू का पेड़ आप लोग को दिख रहा है, ये साक्षी रोपी थी, यानी कि लगाई थी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा छोटा था ये, मतलब कि छोटा सा पेड़ था, जितना बड़ा हो गया है, मेरे से भी ज़्यादा बड़ा लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा, यानी कि बहुत छोटा था, जैसे छोटा नहीं होता है, यानी कि सोचिए ना, पत्ता भी नहीं था, दो चार पत्ता था इसमें, तब साक्षी ने इसको लगाया था। और आज देखिए कितना बड़ा हो गया है। इससे पहले भी हम एक बार आए थे, लेकिन उस टाइम मैंने ब्लॉग नहीं बना पाई, और ऐसे बस। तो देखिए बस इतना ही है, आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। और यहाँ देखिए बहुत साल का फ़ोटो, यानी कि सरस्वती पूजा का फ़ोटो है, जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, 6-7 साल की थी ना मैं, तब का फ़ोटो है ये। देखिए यहाँ ऊपर में ग्रीन कलर का जो कपड़ा पहना है वो मैं हूँ, और जो ब्लू कलर का जैकेट पहना वो साक्षी और मम्मी है, पापा मम्मी है। आप लोग देख सकते हैं, ये सब देख के बहुत कुछ याद आता है मुझे, पहले की तरह कुछ भी नहीं। बस मेरी मम्मी की वजह से, अगर अभी भी मम्मी आ जाएंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उनको तो जैसा लगता है बाल बच्चा से कोई प्यार ही नहीं है, किसी से कोई मतलब ही नहीं। उनको मैं फ़ोन पे कितना बोलती हूँ, यानी कि पहले समझाती थी, और समझाती तो मुझे ही बोलते हैं कि तू गलत हो गई है, यानी कि तू बदल गई है, यानी कि बहुत सारा बात आप लोग जान सकते हैं। उनको मैंने समझाना छोड़ दिया, जो इंसान नहीं समझता हम उसको नहीं समझाते, ये बात हम आपको पहले ही बताए थे। तो बस मेरा घर तो आप लोग देख लिए, यही आप लोग को दिखाना था। मैं सोच के रखी थी कि आप लोग को ये बात बताऊंगी कि मैं अपने घर जा रही हूँ, और आप लोग मुझे बहुत कमेंट भी करते थे कि सुमन अपने घर जो अपने पापा के साथ वीडियो बनाओ,
मेरे तीन भाई बहन शाम को आ जाएंगे 3 बजे स्कूल से, फिर मैं आप लोग को उसका भी दिखा दूँगी। बस मेरे चैनल को खूब सपोर्ट कीजिए, ठीक है। इसको देखिए, कोई काम धंधा नहीं है, बैठ के मोबाइल चला रही है। ओए मेरी बहन को भी अब समझ में आ गया, तो अब वो इतना मतलब नहीं रखती है मेरी माँ से। फिर हम साक्षी को लेके घर आ गए, ठीक है। बस ऐसे हमारे ब्लॉग बने रहे, आप लोग को दिखाएंगे हम, ठीक है। और एक बात, जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, मेरे इस ब्लॉग को ढेर सारा शेयर कर दीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए, ठीक है। यानी कि बहुत सारे लोग को पता चलना चाहिए, यानी कि बहुत जो मेरे सब्सक्राइबर अगर नए हैं चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। आज हम 5ों भाई बहन साथ में हैं, लेकिन एक से कम है मेरी माँ का। लेकिन अगर वो आ जाएंगे तो अभी भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में क्या है, नहीं समझते हैं। आप लोग प्रार्थना कीजिए ताकि मेरा पूरा परिवार फिर से एक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। मैं तो यही चाहती हूँ, लेकिन जो नहीं चाहा था वो हो गया, और जो नहीं सोचा था कभी सपना में वो सब काम। बहुत सोच के, यानी कि मन करता है, अजीब मन करता है, सब बात सोचते हैं तो।